अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? वालेकुम यस सलाम जी, मैम। मैं तो आ वालेकुम रही हूँ। सलाम। क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक अंदर मैम, आप सुनाए? ठीक ठाक है। कुछ पढ़ा था जी जी कि मैम, क्या पढ़ा था? क्या पढ़ कर आए हो? क्या पढ़ा था? मैम सीटी परफ्यूजन। ठीक है, कुछ समझ आया था उसका कि वो उसमें क्या बात यस हुई है? मैम, अगर यस कभी मैम। आप लोगों के सामने सीटी ब्रेन की अगर बात करें तो उसके इमेजेस आ जाएं, ठीक है, उसमें से कुछ थोड़ी रंगीन इमेजेस हों और कुछ डिफरेंट प्लेन्स में हो तो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग अब कि एक्सियल कौन सी जी जी है, मैम, सेंट्रल कौन बिल्कुल। सी है। ठीक है, आप वेंट्रिकल्स को भी देख सकते हो, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग एक जनरल एनाटॉमी मेरा ख्याल है आप सीटी की आप थोड़ी बहुत देख सकते हो। क्या ख्याल है जी? 50 बच्चों, यस मैम, थोड़ा यस बहुत मैम। आइडिया, चलो सही है। कुछ थोड़ी सी खुद भी एफर्ट करो, थोड़ी सी जो नॉर्मल एनाटॉमी है उसको देखने की कोशिश किया करो। ठीक है, यूट्यूब पे दो दो चार चार मिनट की वीडियोज़ हैं, वो देखा करो, उसमें से आप लोगों को एटलीस्ट एनाटॉमी देखने का आइडिया हो जाएगा। आप लोगों का काम डायग्नोसिस करना नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखा करो। सीधा पहले पैथोलॉजिस्ट की तरफ मत जाया करो, पहले नॉर्मल एनाटॉमी देखो, ठीक है, किसी भी चीज़ की, कुछ भी पढ़ते हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बाद पैथोलॉजिस्ट तो आ ही जाएंगी टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो आज जो हम लोगों का जी लेक्चर है वो है सीटी थॉरेक्स। ठीक है, सीटी थॉरेक्स में स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, नज़र आ रहा है आप सबको? यस मैम, जी जी मैम, हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, सीटी थॉरेक्स जो है, थॉरेक्स में बेसिकली हमने आज बात करनी है एचआर सीटी की। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन सीटी की, जो बच्चे रोटेशंस पे गए हैं या जाते हैं या कहीं इंटर्नशिप्स वगैरह करें, उन्होंने नाम सुना होगा बहुत कि एचआर सीटी कराया जाता है। ठीक है, हमने देखना है कि हम एचआर सीटी क्यों करवा रहे हैं, सीटी थॉरेक्स हम क्यों करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद पेशेंट पोजिशन क्या हो सकती है, क्या टेक्निक्स हैं, क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो होने चाहिए टेक्निकल पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, थोड़ी सी नेट भी देखेंगे और बस यही आज। अच्छा जी, पहले हम बात करते हैं जी, जो जनरल आपका स्कैनिंग मेथड है वो क्या है कि पेशेंट जो है वो हमेशा सुपाइन लेटता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपने माइक म्यूट कर लें, बाकी सारे ज़्यादा बेहतर है, डिस्टर्बेंस ना हो ताकि। अच्छा, हमारा जो जनरल मेथड है उसमें ये है कि पेशेंट हमेशा सुपाइन लेटता है। ठीक है, और आर्म्स जो है हमेशा उसके जो हेड के ऊपर एलिवेटेड की होती है। ठीक है, पेशेंट के, यानी जो बाजू हैं पेशेंट के साइड पर नहीं होते। हमने सीटी ब्रेन में यूजुअली ये पढ़ा था कि उसमें जो है पेशेंट जब आपका लेटता है उस टाइम आप जो पेशेंट के हाथ हैं वो उसके दोनों साइड्स पे होते हैं, ऐसा ही था उसमें। हमने ऐसी कोई बात नहीं ना की थी कि पेशेंट के जो बाजू हैं वो उसके सर के ऊपर करा देने हैं, या की थी ऐसी कोई बात? नहीं की थी मैम। नो मैम। ठीक है, तो आप, लेकिन आप थॉरेक्स की आप बात कर रहे हो, आप पेशेंट के जो बाजू हैं पेशेंट के आर्म्स हैं उसको उसके हेड के ऊपर करवा देते हो। ठीक है, हेड के ऊपर करवाने की रीज़न क्या है कि एक तो ये कि आपका जो स्कैन फील्ड ऑफ व्यू है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, किसी किस्म का कोई आर्टिफैक्ट ना आए। ठीक है, बिल्कुल, यानी आपका जो एरिया है उसमें सिर्फ आपको लंग्स ही विजिबल हो। ठीक है, तो इसलिए जो है पेशेंट के बाजू इसमें ऊपर करवाए जाते हैं उसके सर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है कि आप जो हमेशा जो आपके चेस्ट का सीटी है उसके लिए जो स्कैन टाइम है आपका वो कम से कम रखते हो। ठीक है, कम से कम रखने की वजह ये है कि आपको पता है हमारी रेस्पिरेशन मोशन है। ठीक है, रेस्पिरेशन हो रही होती है, इंस्पिरेशन है, एक्सपिरेशन है। अगर आप साथ साथ स्कैन कर रहे हो, साथ साथ एक्विजिशन हो रही है, आपके डिटेक्टर्स मूव कर रहे हैं, आपकी ट्यूब मूव कर रही है, और साथ साथ ही जो है बीच में आपका स्कैन भी चल रहा है, फिर आप सांस भी ले रहे हो, ऊपर नीचे भी हो रहे हो। ठीक है, आपके लंग्स जो है वो इन्फ्लेट कर रहे हैं, डिफ्लेट हो रहे हैं, उस उन चीज़ों की वजह से आपके पास जो है आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, हमने मोशन आर्टिफैक्ट की बात की थी, अगर याद हो तो, वो स्ट्रीक्स ही बन जाती हैं हमारे पास, लाइन बन जाती हैं, ब्लरिंग सी हो जाती है, घोस्टिंग हो जाती है, इस तरह की बातें हम लोगों ने आर्टिफैक्ट्स वाले टॉपिक में की थी, अगर थोड़ा बहुत किसी को याद हो तो। हाँ, क्या ख्याल है, याद है कुछ या भूलभाल गए हो? याद ठीक है, है मैम। आर्टिफैक्ट्स को जो है वो कम करने के लिए आप अपना जो स्कैन टाइम है वो कम से कम रखते हो। ठीक है, शॉर्टेस्ट स्कैन टाइम आप रखते हो अपने थॉरिक्स की सीटी के लिए, चेस्ट सीटी के लिए। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, आप हमेशा कोशिश ये करते हो कि सिंगल ब्रेथ होल्ड के साथ आप पेशेंट का स्कैन कंप्लीट कर लो। ठीक है, यानी आप पेशेंट को जब इंस्ट्रक्ट करते हो कि अपना सांस खींच के रोकें, ठीक है, तो जब आप वो सांस खींच के रोकना जब उसको कहते हो तो आप कोशिश ये करते हो कि उसी
जो आपके पास जितना वो टाइम ड्यूरेशन आ रहा है उसी में आपकी एक्विजिशन इतनी फास्ट हो, आपका स्कैन टाइम इतना फास्ट हो कि आपका स्कैन कंप्लीट हो जाए चेस्ट का, ठीक है। और यूजुअली जो अच्छी मशीन है, जो लेटेस्ट मशीन है, उन पे हो भी जाता है इस तरह, ठीक है। तो इसलिए सिंगल ब्रेथ होल्ड टेक्निक का ये मतलब है, ठीक है। वरना फिर आपको रोक कर दोबारा पेशेंट को इंजेक्ट करना पड़ता है, दोबारा से फिर थोड़ा स्कैन लेना पड़ता है, ठीक है। तो सिंगल ब्रेथ होल्ड का ये मतलब है कि आपकी एक्विजिशन इतनी फास्ट होनी चाहिए और आपका स्कैन टाइम इतना कम होना चाहिए कि आप सिंगल ब्रेथ होल्ड में पेशेंट का स्कैन कर सको पूरे चेस्ट का, ठीक है। इससे आपके पास क्या होगा, ये तो मशीन के अंदर ही नहीं होता, मतलब हम लोग खुद ही तो नहीं लगाते ना कि इतनी ड्यूरेशन का स्कैन करना है। नहीं, वो ये जो मशीन के अंदर लगाते हैं उसी की बात कर रही हूं ना, कि वो आपका कम से कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको वो आपने उसका टाइम इंक्रीज नहीं करना होता, जो आप नॉर्मली जो आप एब्डोमेन के लिए रखते हो या ब्रेन के लिए रखते हो, आपने उससे अपना स्कैन टाइम कम रखना होता है, ठीक है। आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर में प्रोटोकॉल्स का बताया था, मेरे ख्याल से स्कैन टाइम मेंशन भी है, तो उस हिसाब से ये नहीं, अपना स्कैन टाइम जो बाकी आपके एरियाज हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, जो बाकी आप सीटी करते हो उसका स्कैन टाइम जो है वो आपका जो चेस्ट सीटी है उससे ज्यादा होता है, ठीक है, चेस्ट सीटी का कम होता है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें क्या होगा कि आपके पास जो डाटा आ रहा है उसकी मिस रजिस्ट्रेशन ना हो। मिस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपके पास अगर होगी तो यानी जो आपका डाटा एक्वायर हो रहा है उसके बीच में ड्यूरिंग एक्विजिशन प्रॉब्लम आ सकते हैं, वही आर्टिफैक्ट्स वाली बात आ सकती है, ठीक है। जो आपके टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स हैं, एक तो पेशेंट रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स हैं ना, एक तो वो आएंगे, ठीक है, जैसे मोशन आर्टिफैक्ट होगा, बाकी चीज़ें गोस्टिंग वगैरह हो गई, लेकिन कुछ जो आपके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके पास आर्टिफैक्ट्स आ रहे होते हैं वो भी प्रिवेंट करते हो आप जब अपना सिंगल ब्रेथ होल्ड में स्कैन करते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब थॉरिक्स की बात करते हैं। थॉरिक्स में हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है कि हम लोगों के, जैसे हमने ब्रेन में बात की थी कि हम ब्रेन में हम विंडो क्या रखते थे, नैरो रखते थे या वाइड विंडो रखते थे, विंडो लेंथ और विंडो विड्थ की अगर बात करें। नैरो नैरो थी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को कहाँ पर बताया था कि हमारे पास जो है वो इंटरनल कंट्रास्ट बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे हम थोड़ी वाइड विंडो रखते हैं, वो कौन सा एरिया था, याद है कुछ मैम? पोस्टीरियर फोसा पे। पोस्टीरियर फोसा पे, ठीक है, रखते हैं। इसके अलावा बॉडी में और कहीं पर? एब्डोमेन का भी बताया था मैंने, है ना, कि एब्डोमेन में हमारे पास जो है वो बताया था मैम कि एब्डोमिनल में वायर विंडो रखते हैं। हाँ, और इसी तरह आप जो, अगर हम अपने थॉरेक्स की बात करें तो हमारी चेस्ट कैविटी है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी है, उसमें भी आपके पास जो इंट्रिंसिक कंट्रास्ट है, जो अपना यानी इनहेरेंट कंट्रास्ट है बॉडी पार्ट्स का, ठीक है, वहाँ पे आपके पास देखो ना लंग्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है, हार्ट भी पड़ा हुआ है, हार्ट के भी स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, आपके पास वेसल्स हैं, सुपीरियर वेना केवा है, इन्फीरियर वेना केवा है, आपके पास एओर्टा पड़ी हुई है, यानी जो भी चीज़ें आपके रिब्स हैं आपकी, ठीक है, पीछे से आपके पास वर्टीब्रा भी पड़ा हुआ है बीच में, मतलब एक ही अगर आप सिंगल स्लाइस की बात करो तो सिंगल स्लाइस में आपके पास काफ़ी सारी डिफरेंट डेंसिटीज़ की चीज़ें हैं, ऐसे ही है ना, आपके पास वेसल्स भी हैं, मतलब आपके पास, मतलब हर चीज़ जो है आपके पास इतने से एरिया में है, ठीक है, मतलब लंग्स भी आ रहे हैं, हर चीज़ जो डिफरेंट डेंसिटी की, यानी किसी भी चीज़ की डेंसिटी आपके पास सेम नहीं है, ठीक है। अगर हम हाउंडफील्ड यूनिट की बात करें तो किसी भी चीज का हाउंडफील्ड यूनिट आपके पास सेम नहीं है, तो उसकी वजह से आपके पास जो है सॉरी थॉरेक्स का जो कंट्रास्ट है, इंट्रिंसिक कंट्रास्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आप यहाँ पे भी वाइड विंडो रखते हो, ठीक है, विंडो लेवल हम देखते हैं आगे क्या रखते हैं। इसके अलावा ये है कि जो हम अगर सिंपल रूटीन सीटी की बात करें, जो आपका रूटीन सीटी है और जो आपका एचआर सीटी है, ठीक है, जो हाई रेजोल्यूशन सीटी है, इनके बीच में कंट्रास्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। आईवी कंट्रास्ट जो है वो नहीं दिया जाता। आईवी कंट्रास्ट ना देने की रीज़न जो है वो यही है कि इसका अपना ही इंट्रिंसिक कंट्रास्ट ज़्यादा है। इसके अलावा फिर हम क्या सेटिंग करते हैं, हम मशीन पे अपने जो है वो लंग विंडो ऑन करके देखते हैं, बोन विंडो ऑन करके देखते हैं, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू विंडोज़ ऑन करके देखते हैं। विंडोज़ बेसिकली जो हमारे पास सेटिंग जो हमने सेव की हुई है, ठीक है, जो विंडो लेंथ और विंडो विड्थ वाली सेटिंग है वो, यानी विंडोइंग कहते हैं उस पूरे प्रोसीजर को, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जो विंडोज़ हैं उस हिसाब से हम सिर्फ अपनी विंडो चेंज करके हम डिफरेंट मेथड्स में डिफरेंट तरीकों से अपनी इमेज को देख लेते हैं, ठीक है, यानी हम कंट्रास्ट इसमें नहीं देते, जो आपका रूटीन चेस्ट सीटी है या जो आपका एचआर सीटी है उसमें, ठीक है। कंट्रास्ट दिया जाता है, कंट्रास्ट किन केसेस में दिया जाता है, तब दिया जाता है जब आपने वेस्कुलर या नॉन वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है, वो यूजुअली आपके पास इस तरह की कंडीशन जो है वो किसी ना किसी कैंसरस केस में आती हैं, ठीक है, किसी ना किसी जो आपके पास ट्यूमर्स बने हों उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, या अगर आपके पास मेट्स हों इस तरह की चीज़ें देखने के लिए, तब कंट्रास्ट दिया जाता है। इसके अलावा जो अगर कोई आपकी जो लंग डिजीज़ हैं, कफिंग वगैरह है, कोई भी ब्रोंकाइटिस है, टेलेक्टिस है, इस तरह की डिजीज़ हैं, उनके लिए जो है आप कंट्रास्ट नहीं देते हो, ठीक है, वो सिंपल विदाउट कंट्रास्ट एचआरसीटी है या आपका जो रूटीन चेस्ट है वो। क्लियर हुआ है कि हम कंट्रास्ट क्यों नहीं दे रहे, रीज़न इसकी, ठीक है। और आप जो एचआरसीटी है, एचआरसीटी में कंट्रास्ट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी।
अच्छा जी, उसके बाद अब आपके पास चीज आती है कि अगर आपके पास कोई ट्यूमर इस तरह का है, लंग ट्यूमर जिसकी लोकेशन, जी जी मैम, विदाउट कंट्रास्ट फिर ये सही स्कैन हो जाएगा? हाँ, बड़ा प्यारा स्कैन होता है ये विदाउट कंट्रास्ट। इसमें जो है वही मैं बता रही हूँ ना कि हम अपनी जो विंडो सेटिंग्स हैं, ठीक है, बोन विंडो ऑन करके देखते हैं, लंग विंडो ऑन करके देखते हैं, हम इसमें सॉफ्ट टिश्यू विंडो, मैं दिखाती हूँ आगे इमेजेस भी हैं, ठीक है, कि आप किस तरह से डिफरेंट विंडो सेटिंग के साथ जो है आप अपना इमेज अच्छे तरीके से ले सकते हो, ठीक है। तो उस तरह की कंडीशन में फिर आपको जो है वो कंट्रास्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। कंट्रास्ट देने की जरूरत सिर्फ तब आपको पड़ती है जब आपने वेस्कुलर या नॉन वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना हो, किसी ट्यूमर को आइडेंटिफाई करना हो, उन केसेस में यूजली कंट्रास्ट दिया जाता है अगर जरूरत हो तो, अगर रिकमेंड किया जाए तो, वरना कंट्रास्ट जो एक रूटीन सी टी है उसमें कंट्रास्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। अच्छा जी 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 मैम, इंट्रिंसिक कंट्रास्ट जो आपने बताया, इट मींस कि ये ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इंट्रिंसिक कंट्रास्ट का मतलब ये है, जो कंट्रास्ट की मैं बात कर रही हूँ वो यही है कि आपके पास ऑलरेडी नेचुरली जो चेस्ट वाला एरिया है उसमें डिफरेंट हाउसफिल यूनिट पड़े हुए हैं, ठीक है। कंट्रास्ट की जब हम बात करते हैं तो कंट्रास्ट में भी बेसिकली हम हाउसफिल यूनिट को ही उनकी वैल्यू देख रहे होते हैं ना, कि हमारे पास किसकी हाउसफिल यूनिट वैल्यू किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। कंट्रास्ट जब देते हैं उस टाइम यही होता है ना कि एच यू की वैल्यू बढ़ जाती है हमारे पास, हमें वो चीज़ ब्राइट नज़र आ रही होती है जो हमारी वेसल है या कुछ भी है, ठीक है। इंट्रिंसिक कंट्रास्ट का मतलब ये है कि जो एरिया हम देखना चाह रहे हैं, जो आपका थॉरेक्स का एरिया, वहाँ पे ऑलरेडी नेचुरली कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा है हर चीज़ का, ठीक है। यानी वहाँ पे आपके पास लंग्स पड़े हैं वो आपको टोटली ब्लैक नज़र आएंगे, ठीक है, एरेटेड लंग्स हैं वो टोटली ब्लैक नजर आएंगे। फिर आपके पास रिप्स पड़ी हुई हैं वो आपको ब्राइट नजर आएंगी, ठीक है। फिर आपके पास वेसल्स पड़ी हुई हैं उनकी डिफरेंट डेंसिटीज हैं, आपके पास ट्रेकिया है, आपके पास एसोफेगस है, यानी आपके पास बोन्स भी हैं, आपके पास सॉफ्ट टिश्यू भी है, आपके पास जो है वो आपके लंग्स भी हैं, यानी हर चीज़ आपके पास इतने से एरिया में पड़ी हुई है, ठीक है। यानी आपकी बॉडी में मेरा ख्याल है जितनी भी डेंसिटी इस टाइम पाई जा सकती है ना वो आपके थॉरेक्स वाले एरिया में पड़ी हुई, ठीक है। इंट्रिंसिक कंट्रास्ट का मतलब ये है कि नेचुरली आपके पास अगर आप कोई विंडो नहीं भी ऑन करते तब भी आपको चीज़ें बड़ी क्लियर नजर आ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर आप ऊपर से कंट्रास्ट नहीं देते, ऊपर से कंट्रास्ट जो है सिर्फ आप तब देखते हो जब आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर देखना हो, वेस्कुलर या नॉन वेस्कुलर को आइडेंटिफाई करना हो, या आपने कोई ट्यूमर केस देखना हो कि उसको वेस्कुलरिटी कितनी जा रही है, उन केसेस में आप कंट्रास्ट देते हो, ठीक है। अभी मैं इमेजेस दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा कि हम क्यों इंट्रिंसिक कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं। इंट्रिंसिक कंट्रास्ट का मतलब बेसिकली हाँ यही है कि जो इनहेरेंटली प्रेजेंट है, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप देखते हो कि अगर आपने अगर सपोज करो आपके पास पेशेंट है, उसका जो कोई ट्यूमर इस तरह का है, उसकी लोकेशन इस तरह की है, एसोफेगस से आपने उसको डिफरेंशिएट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसकी लोकेशन लंग्स में इस तरह किसी जगह पे पड़ी हुई है, तो आप उस टाइम क्या करते हो, आप पेशेंट को जो है वो थोड़ा सा बेरियम सस्पेंशन दे सकते हो कंट्रास्ट अपना जो है स्कैन स्टार्ट होने से पहले। वो आप क्यों देते हो बेरियम सस्पेंशन, वो सिर्फ आप इसलिए देते हो कि आप अपने एसोफेगस को जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे हो अपने जो बाकी यानी जो लंग्स वाले स्ट्रक्चर हैं बाकी चीज़ों से, ठीक है। वैसे तो आइडेंटिफाई नॉर्मल जो चेस्ट है उस पे ऊपर भी हो जाता है, लेकिन मजीद अच्छी आइडेंटिफिकेशन के लिए या किसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है वो तब पेरियम सस्पेंशन दिया जाता है सिर्फ एसोफेगस को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई रीजन नहीं है, और ये भी रेयर केसेस में दिया जाता है जब कोई इस तरह की पैथोलॉजी सस्पेक्टेड हो उस टाइम दिया जाता है, ठीक है। मैम, बेरियम जो है वो स्वेलो करवाया जाएगा? हाँ, बेरियम स्वेलो करवाया जाता है। स्वेलो इसी तरह यानी कि पेशेंट लेटा होता है, उसको आप यही पिला देते हो थोड़ा सा, उसको कहते हो कि जब मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूँ उस टाइम आपने इसको निगलना है, ठीक है। आप उस टाइम जो उसको कहते हो वो उस टाइम अगर वो कर लेता है तो ठीक है, अगर बेरियम स्वेलो आप उसी टाइम भी इमेजेस ले सकते हो, उस टाइम नहीं लेते तो अगर बेरियम आपका स्टमक तक भी आ जाता है तब भी ठीक है, तब भी यानी आपके पास जो है वो एसोफेगस जो है एक लाइन हो जाता है, ठीक है। उसके वो आपको यानी आप उसको डिफरेंशिएट कर पाते हो, वहाँ पे आपके पास एक लाइन सी बन जाती है, आपको आइडिया हो जाता है कि ठीक है ये आपके पास सब कोई डिफरेंशिएटेड चीज़ है, अलहदा चीज़ है, ठीक है, सिर्फ उसकी लाइनिंग को क्लियर देखने के लिए। यस मैम। अच्छा जी, उसके बाद अब आपके पास हम बात करते हैं एच आर सी टी की। एच आर सी टी है हमारे पास हाई रेजोल्यूशन सी टी। हाई रेजोल्यूशन सी टी का मतलब ये है हमारे पास कि अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन जैसी चीज़ों की बात की थी, याद है कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती थी? कोई बच्चा बताएगा, कोई जीनियस? वो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लोज पड़े हों तो उन्हें एक जो है ना वो सेपरेटली डिटेक्ट करना कि वो सेपरेटली प्रेजेंट हैं उस जगह पे।
ठीक है, यानी आप कितने अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके पास जो कोई दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, या सपोज करो अगर पेपर की बात करें, पेपर पे दो डॉट्स आपने करीब करीब लगाए हैं, तो आप कितने अच्छे से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, या आपकी मशीन जो है कितने अच्छे से उनको एज अ सेपरेट जो है वो सेपरेट क्या कहते हैं सेपरेट डॉट्स उनको आइडेंटिफाई कर सकती है, वो आपकी मशीन की स्पेशल रेजोल्यूशन है, ठीक है। फिर हमने कुछ स्पेशल फ्रिक्वेंसी की भी बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने किसी लेक्चर में पढ़ा था कि वो एप्पल्स की थी तस्वीरें एप्पल्स से, ठीक है, उसमें था कि हाई स्पेशल फ्रिक्वेंसी कैसी होती है और लो स्पेशल फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, ठीक है। हाई स्पेशल फ्रिक्वेंसी में आपके पास जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो कम से कम नज़र आता है, यानी स्मॉलर नज़र आता है, ठीक है। अगर आपके पास लो स्पेशल फ्रिक्वेंसी है तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स के साइज जो है वो बहुत बड़े नज़र आते हैं, ठीक है। ये एप्पल वाली एक इमेज थी, अगर आप लोग पुराने कोई लेक्चर्स खोल के देखो तो उसमें आप लोगों को ये मिल भी जाएगा, ठीक है। तो आप जो HRCT कर रहे हो इसमें बेसिकली आप जो है हाई स्पेशल फ्रिक्वेंसी को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। हाई स्पेशल फ्रिक्वेंसी का मतलब यह है कि आपको छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी इसमें इतना क्लियरली नज़र आएगा, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या है एल्गोरिथम्स, मैं ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि एक मैथमेटिकल सा प्रोसीजर होता है जिसके बाद आपके पास आपका जो इमेज डाटा है वो आपके पास आता है, ठीक है। HRCT में आपके पास यही होता है, हाई रेजोल्यूशन है, ठीक है, आप इसमें हाई स्पेशल फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है डिफरेंट डेंसिटीज़ के जो टिश्यूज़ हैं वो आपके पास उतना अच्छा कंट्रास्ट देते हैं और उतनी अच्छी आपको इमेज मिलती है, ठीक है। HRCT की बेसिकली ये डेफिनेशन है। उसके बाद HRCT आप क्यों यूज़ करते हो, डिफ्यूज लंग डिजीज देखने के लिए, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने के लिए आप यूज़ करते हो। उसमें आपके पास फाइब्रोसिस है और एम्फाइजीमा है, ठीक है। फाइब्रोसिस और एम्फाइजीमा जो है ये डिजीज़ कंडीशंस हैं, इनमें आपके जो नॉर्मल लंग्स की जो फंक्शन है, जो एल्वियोलाई हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। दिखाती हूँ, ये अब आपके पास एम्फाइजीमा की एग्जांपल है। एम्फाइजीमा में बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये एम्फाइजीमा के काफ़ी रीजन है, काफ़ी केसेस की वजह से होता है, स्मोकिंग में होता है, जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर ये एम्फाइजीमा का आ जाता है, जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह होता है कि आप अगर ये आप इमेज देखो, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा नॉर्मल एल्वियोलाई हैं, ठीक है, उनकी अपेरेंस किस तरह की है। अब आपके पास एम्फाइजीमा में क्या होता है कि जो आपके नॉर्मल एल्वियोलाई हैं उनकी अपेरेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर आपके पास जो है वो प्रॉपरली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वहाँ पे आपके पास सिर्फ जो है खाली एयर फिल्ड स्पेसेस बच जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको इस इमेज में नज़र आ रहा हो, यहाँ पे आपको एयर सैक्स और एल्वियोलाई क्लियरली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आप ये वाली इमेज देखो, यहाँ पे आपके पास जो एल्वियोलाई हैं वो एम्फाइजीमा से अफेक्टेड हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपको एल्वियोलाई आपके ख़त्म हो चुके हैं, अब सिर्फ वहाँ पे खाली एयर स्पेसेस बच गई हैं, ठीक है। और अगर यही चीज़ आप HRCT के ऊपर देखो, ये साथ वाले में जो आपकी HRCT की है, तो यहाँ पे आपको कुछ अगर एरियाज नज़र आ रहे हों ब्लैक ब्लैक से, नज़र आ रहे हैं सबको थोड़ा बहुत, बीच में दरमियान में आपको अजीब सी अपेरेंस जो है वो थोड़ी नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो यानी ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जो नॉर्मल एल्वियोलाई थे उनकी अपेरेंस अब इस टाइम खत्म हो चुकी है, ये थोड़ा क्रॉनिक कंडीशन है, ठीक है, उसमें अब आपके पास ये अपेरेंस खत्म हो चुकी है, यहाँ पे आपके पास खाली एयर स्पेसिस बच गए हैं, यानी आपके एल्वियोलाई उस जगह से काम करना खत्म कर गए, ठीक है। तो ये एम्फाइजीमा की कंडीशन है, ठीक है। एम्फाइजीमा की मैंने बताया कि काफ़ी डिजीज कंडीशन की वजह से, यानी इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। स्मोकिंग सबसे कॉमन है, यानी हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एम्फाइजीमा के पेशेंट्स आते हैं वो स्मोकिंग की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज़ आपके पास लंग फाइब्रोसिस आता है। फाइब्रोसिस में आपके पास ये होता है कि जो आपके एल्वियोलाई हैं वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके पास जो है वो स्कारिंग हो जाती है आपके एल्वियोलाई की, ये नॉर्मल एल्वियोलाई की अपेरेंस है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली इमेज है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो एयर स्पेसेस हैं वो इररेगुलर हो जाती हैं, एबनॉर्मल हो जाती हैं, स्कारिंग हो जाती है आपके लंग्स की, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि एल्वियोलाई के दरमियान में आपके पास इररेगुलर थिकनिंग हो जाती है टिश्यूज़ की, ठीक है। ये आपके पास जो है ये एल्वियोलाई जो आपके पास लंग फाइब्रोसिस के बाद है वो है, यानी फाइब्रोसिस में भी आपका लंग उस जगह से काम करना ख़त्म कर देता है, ठीक है। अब ये एक्सरे और CT के ऊपर बेसिकली डिफरेंशिएट किया हुआ है। एक्सरे अगर आप देखो, ऊपर वाला आपके पास हेल्दी है, ए और जो सी इमेज है वो CT की है, फिर नीचे आपके पास बी और डी वाले इमेजेस जो हैं वो फाइब्रोसिस के केसेस में, ठीक है। अब हेल्दी लंग को देखो, एक्सरे में आपको क्लियर पता चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, फाइब्रोसिस में आप देखो तो आपको किसी किसी ये सारा एरिया जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ठीक है। लेफ्ट साइड पे तो ये हार्ट है, ठीक है, राइट साइड पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे ये सारी जो डायलिटेशन नज़र आ रही है, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये आपके पास लंग फाइब्रोसिस हुआ हुआ है। यही चीज़ जब आप CT पे देखते हो तो CT पे भी आपको ये स्कारिंग नज़र आ रही है, जो सारा आपको जो वाइट वाइट सा जो ब्राइट अपेयरेंस नज़र आ रही है सारी, ये बिल्कुल सेप्टा बिल्कुल साथ साथ क्लियर क्लियर इस जगह पे भी, दरमियान में भी सारा ये, यानी आपके पास नॉर्मल इमेज नहीं है। नॉर्मल इमेज अगर आप कंपेयर करो CT को और नीचे वाले जो फाइब्रोसिस वाला है, तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस मिल रहा है, पता चल रहा है ना कि नीचे कोई डिजीज कंडीशन ही चल रही है और ऊपर जो आपके पास वो नॉर्मल है। क्या ख्याल है, पता चल रहा है? यस मैम।
फाइब्रोसिस का मतलब समझ आया कि फाइब्रोसिस में क्या होता है आपके पास, कि आपके पास जो है एल्वियोलाई जो है वो खत्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट, और उनकी स्कारिंग हो जाती है, ठीक है। बेसिकली आपके पास स्कार टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, वो आपके पास इस तरह की इमेज देते हैं। और जो आपके पास एम्फाइजीमा है, वहाँ पे आपके पास जब एल्वियोलाई खत्म होते हैं तो वहाँ पे स्कारिंग नहीं होती, स्कारिंग की जगह पे वहाँ पे आपके पास एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं, एयर फिल्ड स्पेसेस बन जाती हैं, ठीक है। और उनकी अपीयरेंस आपके पास डिफरेंट तरीकों से आती है, ठीक है। ये यानी दो मेजर कंडीशन है, इनके पीछे काफ़ी रीजन होते हैं कि किस किस वजह से हो रही हैं, लेकिन ये मेजर कंडीशन यूजली अगर हमारे यहाँ पे जो सीटी वगैरह किया जाता है तो उनमें इनको ही वैल्यूएट ज़्यादातर किया जाता है। कंसोलिडेशंस वगैरह देखी जाती हैं या एयरफील्ड स्पेसेस देखी जाती हैं, ठीक है। एचआरसीटी की जो बात करते हैं कि आपके नॉर्मल रूटीन सीटी से डिफरेंट किस तरह से है, एचआरसीटी में जो है आप थिन स्लाइसेस यूज़ करते हो, ठीक है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एचआरसीटी आप डिफरेंशिएट ही तब करते हो नॉर्मल सीटी से कि आप इसमें थिन स्लाइसेस यूज़ करते हो, ठीक है। थिन स्लाइसेस कितने होते हैं मैं बताती हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है कि आपके पास ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फास्ट एक्विजिशन मेथड होता है ताकि आपके पास जो है पोर्शन आर्टिफैक्ट कम से कम हो, और स्पेशल रेजोल्यूशन हमारे पास इसमें बहुत अच्छी होती है, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों अच्छी होती है इसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यों अच्छी होती है, ताकि आप छोटे से छोटी नॉर्मेलिटी भी जो आपके पास आ रही है, छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी आपको जो नज़र आना चाहिए वो आपको क्लियरली नज़र आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये है कि जो एच आर सी टी किया जाता है ये फुली जब लंग्स प्रॉपरली एरेटेड हों या फुल इंस्पायरेशन में किया जाता है, ठीक है। एक्सपायरेशन में भी करते हैं, इंस्पायरेशन में, लेकिन हमारे पास जो रूटीन में करते हैं वो इंस्पायरेशन में करते हैं, ठीक है। एक्सपायरेशन में हमेशा कोई ना कोई डिजीज कंडीशन को ही वैल्यूएट करने के लिए किया जाता है, जो लेकिन रूटीन में हम इंस्पायरेशन में करते हैं। इंस्पायरेशन में हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास लंग प्रॉपरली एरेटेड हो जाते हैं, प्रॉपरली एक्सपैंड कर जाते हैं, एक्सपैंड करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रास्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जितने भी अटेन्यूएशन हो रही होती है लंग स्पेसिस के दरमियान में, जो हमारे जो आसपास के एरियाज हैं उनके दरमियान में, वो अटेन्यूएशन हमें बहुत अच्छे तरीके से नज़र आती है, ठीक है, जब हमारे लंग्स जो है वो प्रॉपरली एक्सपैंड किए होंगे। तो इसलिए आप जो अपना एच आर सी टी है या जो भी आपके चेस्ट सी टी जितने भी रूटीन भी हैं, इवन या अगर आप आई बी के साथ भी अगर कर रहे हो तो उस टाइम आप फुल इंस्पायरेशन में करवाते हो, ठीक है। अगर बास केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर आपका पेशेंट जो प्रॉपरली इंस्पायर नहीं कर पा रहा है या आपने उसको इंस्ट्रक्ट नहीं सही तरह से किया तो बाज़ दफ़ा ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो कि ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स ही इस तरह के आ जाते हैं जो लगते हैं कि वो शायद पैथोलॉजी की कोई कंडीशन है, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर आपको अपना स्कैन रिपीट करना पड़ता है। इसलिए जो हम इतने अरसे से मैं बोल रही हूँ कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इंस्ट्रक्ट करना इसलिए ज़रूरी है आपके पास ताकि आपको अपना स्कैन रिपीट ना करना पड़े। आप पेशेंट को एक दफ़ा कह दो कि मैंने जब आपको कहा है आपने सांस ज़ोर से खींचना है, रोकना है, लेना है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने उसको देनी है आप उसको क्लियरली दो, ठीक है। खास तौर पे ये जो चेस्ट वाले प्रोसीजर्स हैं उनमें तो इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद अब आप स्लाइस थिकनेस की बात करो। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम इसमें थिन स्लाइसेस रखते हैं, ठीक है। थिन स्लाइसेस जो हम 0.25 mm से लेकर 1.25 mm तक रखते हैं या 2 mm तक भी बाज़ू का चले जाते हैं, ठीक है। ये कि हम क्यों रखते हैं, वजह उसकी वही है ताकि आप कोई भी छोटे से छोटी एबनॉर्मेलिटी भी आप उसको क्लियरली देख सको, ठीक है। जो अगर आपके पास थिक स्लाइसेस होते हैं तो उसमें आपके पास क्या होता है कि आप जो छोटे स्ट्रक्चर हैं उनको अच्छे तरीके से नहीं देख सकते, आपकी यानी स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। थिक स्लाइसेस होंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। थिन स्लाइसेस आपको ज़्यादा अच्छी डिलिनेशन देते हैं, आप ब्रोंकाई को एवेल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। ब्रोंकाई है, आगे से ब्रोंक्यूल्स बन रहे हैं, आप उनको भी अच्छे तरीके से देख सकते हो, या बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी थिन स्लाइसेस में आप ज़्यादा अच्छा एवेल्यूएट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू थिक स्लाइसेस। अब इसी एग्जाम्पल में ये दिखा देती हूँ, ठीक है। इसमें आपके पास इमेजेस लिए हुए हैं ना, ये डिफरेंट स्लाइसेस में लिए हुए हैं। पहले वाला जो है ये 1 mm है, अगला 2 mm है, नीचे वाला 5 mm पे लिया हुआ है, और उससे नीचे वाला उसके साथ वाला जो है वो 10 mm पे लिया हुआ है। अब आप मुझे खुद बताओ कि इसमें आप लोग 10 mm वाले स्लाइस को देखो और इधर से 1 mm वाले स्लाइस को देखो तो आपको इसमें से कितनी अच्छी रेजोल्यूशन जो है, छोटे से छोटी चीज़ आपको क्लियरली किस में नज़र आ रही है, 1 mm वाले में आ रही है कि 10 mm वाले में आ रही है? मैम 1 mm। क्या कर 1 mm वाले में, ठीक है। 10 mm वाले में आप देखो तो आपको एक जनरल सा ओवरव्यू मिल रहा है। हाँ, अगर कोई बड़े साइज की पैथोलॉजी होगी तो वो आपको 10 mm में भी शायद नजर आ जाए कि हाँ कोई बड़ा ट्यूमर बड़ा हुआ है या कोई बहुत कंसोलिडेशन हैवी कंसोलिडेशन है, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी 10 mm में, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई छोटा स्ट्रक्चर है, कोई छोटा नोड्यूल पड़ा हुआ है, कोई मतलब हल्की सी कोई ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, कोई इस तरह की कोई चीज़ है तो वो आपको 10 mm पे कभी भी नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो आप उसके लिए हमेशा जो खासतौर पर जो आपका एच आर सी टी है वो हमेशा थिन स्लाइसेज में लेते हो, ठीक है। थिन स्लाइसेज आपके पास कितने हैं, क्या वैल्यू मैंने बताई है पीछे? 0.25 to 1.25 भी ले सकते हैं, लेकिन वो कुछ केसेस में लिया जाता है। कोशिश यही की जाती है कि आप थिनर से थिनर स्लाइस लो, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद जब आप बात करते हैं जनाब अपनी विंडो सेटिंग की, ठीक है, विंडो मैं सेटिंग में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ विंडो सेटिंग हमारे पास क्या होती है, ठीक है, विंडो लेंथ विंडो विड्थ के साथ है, क्या हुआ, सॉरी मुझे कुछ कहा है या आपस में कुछ लगे वो, अच्छा विंडो सेटिंग बेसिकली जो है हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास विंडो लेंथ और विंडो विड्थ होती हैं, ठीक है, जिनकी आप वैल्यू सिलेक्ट करते हो, वो बेसिकली आपको कंट्रास्ट बता रही होती हैं, एक रेंज दे रही होती हैं कि आपके जो इमेज आपको नजर आएगा वो इतनी रेंज में आपके पास इतनी रेंज की हाउसफील्ड यूनिट की वैल्यूज जो है वो आपको अपने इस इमेज में नजर आएंगी, ठीक है। तो विंडो लेवल जो है आपके पास विंडो विड्थ जो है ये आपके पास ये चीज़ें होती हैं। लंग विंडो की जब आप बात करते हो, लंग विंडो की वैल्यू जो है वो हमेशा ज़्यादा रखी जाती है, वो 1000 से 1500 तक 1600 तक होती है, ठीक है, 700 800 से लेकर 1500 तक या 1600 तक आपके पास लंग विंडो जाती है, ठीक है, विंडो विड्थ और विंडो लेवल की वैल्यूज, ठीक है, रूटीन लंग विंडो आपके पास यही होती है। उसके बाद अगर आप सॉफ्ट टिश्यू विंडो लेना चाहो तो सॉफ्ट टिश्यू विंडो में आपके पास जो विंडो लेंथ है या विंडो विड्थ है वो आपके पास 40 से 45 या 350 से 450 हाउसफील्ड यूनिट भी होती है, ठीक है, विंडो लेंथ आपके पास 40 से 45 होती है और जो विंडो विड्थ आपके पास वो 350 से 450 तक हो सकती है, यानी इतने हाउसफील्ड यूनिट की वैल्यूज आपको उसमें नजर आएंगी जब आप हमने सॉफ्ट टिश्यूज देखने होंगे, उस टाइम आपको ये वैल्यूज अच्छी नजर आएंगी, इन वैल्यूज पे आपको चीजें ज्यादा अच्छी नजर आएंगी। लंग विंडो है तो वहां पे आपको ज्यादा ब्रॉड रखनी पड़ती है विंडो अपनी, ठीक है, हमने हमने हाइला देखना है, प्लूरा देखना है, कोई प्लूरल डिजीज देखनी है, उसको वैल्यूएट करने के लिए आप सॉफ्ट टिश्यू विंडो यूज करते हो, याद रखना इस चीज को। अब अगर आप ये देखो आपके पास थ्री विंडोज हैं, सॉफ्ट टिश्यू है, बोन विंडो हम ऑन करके देखते हैं और उसके बाद आपके पास लंग विंडो है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू विंडो में आपको इमेज इस तरह का नजर आएगा, लंग विंडो जब आप ऑन करोगे तब आपको इमेज इस तरह का नजर आएगा, ये जो बच्चे अगर जाते हैं उन्होंने तो ऑलरेडी देखा होगा, ठीक है, कि लंग विंडो में आपको इमेज किस तरह का नजर आता है, ग्रे सा, और इसमें लंग्स आपको कितने क्लियर नजर आते हैं। जो आपके रूटीन चेस्ट है उसमें आप सॉफ्ट टिश्यू विंडो ऑन करके देखते हो, वो आपको भी सॉफ्ट टिश्यू अबनॉर्मैलिटी देखने के लिए आप सॉफ्ट टिश्यू करते हो, ठीक है, बोनी अबनॉर्मैलिटी अगर कोई देखना ही हो तो उस टाइम आप बोन विंडो ऑन करके देखते हो, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास पेशेंट पोजीशन आती है, मैंने बताया है सुपाइन हमारे पास रूटीन में है, ठीक है, प्रोन हम सिर्फ तब करते हैं जब हमने कुछ स्पेसिफिक डिजीजेज हैं जिनको हमने डिफरेंशिएट करना हो, कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है, उसमें आपके पास जो एस्बेस्टोसिस आता है, एस्बेस्टोसिस बेसिकली क्या है कि एस्बेस्टोस एक हमारे पास मटीरियल है, ठीक है, जो लोग नॉर्मल लोग हैं ये बेसिकली ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है, जिन लोगों का एक्सपोजर एस्बेस्टोस के साथ ज़्यादा होता है उनको एस्बेस्टोसिस की कंडीशन हो जाती है, ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट करना, या बेसिकली जो मोर कॉमन यूज है इसका वो आपके पास जो अर्ली फाइब्रोसिस है उसको डिफरेंशिएट आप करते हो, ठीक है, और जो आपके लंग एटिलेक्टेसिस है उसको डिफरेंशिएट करते हो। एटिलेक्टेसिस बेसिकली आपके पास होता है कि आपके जो लंग्स हैं, जो आपके एल्वियोलर्स हैं, उनका कोई ना कोई सेगमेंट जो है वो आपके पास कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, यानी वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता। ये इस तरह की कंडीशन यूजुअली आपके पास आती है जब किसी ना किसी सर्जरी के बाद, ठीक है, किसी सर्जरी के बाद जब पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया होता है उस टाइम एटिलेक्टेसिस की कंडीशन आती है और वो कुछ अरसा तक रहती है, पेशेंट को ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने 6 महीने तक एटिलेक्टेसिस की कंडीशन रह सकती है, ठीक है, यानी आपके लंग का कोई ना कोई पार्ट जो है वो कलेप्स कर जाता है। अब आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडेंट लंग एटिलेक्टेसिस, डिपेंडेंट लंग एटिलेक्टेसिस का मतलब यह है ये आपके पास ग्रेविटी डिपेंडेंट है, ठीक है, पेशेंट अगर आपके पास सुपाइन लेटा हुआ है तो हो सकता है कि जो आपका जो बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट है, जो आपके लंग्स का पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे आपको किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई शेडोज, कोई कंसोलिडेशंस, कोई किसी भी तरह की कोई ओपेसिटीज जो है वो नजर आए, ठीक है, सुपाइन पोजिशन में, ठीक है, वो इस तरह की कंडीशन आपके पास लंग फाइब्रोसिस में भी आ सकती है। फाइब्रोसिस मैंने आप लोगों को दिखाया कि फाइब्रोसिस में किस तरह की अपेयरेंस होती है, ठीक है, कि मतलब सारे वाइट वाइट सब राइट से अपेयरेंस और ओपेसिफिकेशन हो जाती है काफ़ी सारी, ठीक है, तो अब अगर इस तरह की कंडीशन है तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, आप डिफ्रेंशिएट करते हो इस चीज़ को कि आपके पास ये कहीं डिपेंडेंट लंग एटिलेक्टेसिस है, ठीक है, कि पेशेंट सीधा लेटा हुआ है उस वजह से पोस्टीरियर पार्ट पे आपको ओपेसिटीज शो हो रही है, या फिर ये जो है फाइब्रोसिस है जो कि अर्ली स्टेजेस पे है, ठीक है, समझ आ रही है इस बात की कि किस तरह से आप डिफरेंशिएट करोगे उसको। फिर करने के लिए, उस चीज़ को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए, आप पेशेंट को प्रोन लिटाकर, उल्टा लिटाकर भी आप पेशेंट का स्कैन एक करते हो, ठीक है, इस तरह की कंडीशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए। अब अगर आप ये वाली कंडीशन देखो, ये आपके पास सुपाइन है पहली वाली और दूसरी वाली आपके पास प्रोन इमेज है, ठीक है, पता चल रहा होगा देखकर भी हार्ट का शेडो जो है किस तरह से आपके पास ऑपोजिट हो गया है, सही है, और उसके अलावा हार्ट के अलावा चलो ये तो मेजर है, उसके अलावा पीछे अगर आप वर्टिब्रास को देख लो तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, इसमें अब आपके पास क्या है, पहली बारी सुपाइन इमेज थी, यहाँ पे जो एरोज इवन लगे हुए हैं वहाँ पे आप लोग देखो तो आप लोगों को स्पेसिफिकेशन कुछ नजर आ रही हैं, बिल्कुल साथ साथ नजर आ रही हैं सबको, क्या ख्याल है,
ठीक है. अब यही जब आपने पेशेंट को प्रोन लिटाया, ठीक है, तो अब आप पोस्टीरियर साइड पे देखो, प्रोन लेटा है तो पोस्टीरियर ऊपर चला जाएगा, ठीक है. पोस्टीरियर साइड पे आप देखो तो यहाँ पे अब आपको ऐसी कोई कंडीशन नजर आ रही है कि नहीं आ रही? नो मैम, नहीं आ रही. नहीं आ रही ना, ठीक है. ये यानी अब आपके पास ये आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि अच्छा, अगर आपको इस टाइम सुपाइन लिटा के जो ओपेसिफिकेशन मिल रही थी तो वो यानी फाइब्रोसिस नहीं है, ठीक है. ये आपके पास डिपेंडेंट एटिलेक्टेसिस था कि पेशेंट सुपाइन लेटा है, उस वजह से कोई इस तरह की अपेयरेंस आई है कि उसका मतलब जो है वो एटिलेक्टेसिस उसको हुआ हुआ है, ठीक है. यानी आपने आप आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप इसको एज अ फाइब्रोसिस डायग्नोज नहीं करोगे. हाँ, अगर आप प्रोन इमेज ना करते उस टाइम आप इसको कह सकते थे कि ये आपके पास फाइब्रोसिस हो सकता है, ठीक है. लेकिन इसी चीज को ठीक करने के लिए, अपना डायग्नोसिस को बेहतर बनाने के लिए आप पेशेंट को प्रोन लिटा के इस चीज को कंफर्म करते हो, ठीक है. अब अगर आप ये वाली इमेज देखो इसमें आपको पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ पे ओपेसिफिकेशंस कुछ नजर आ रही है, नजर आ रही है वाइट वाइट सी हेजी सी अपीयरेंस है इस जगह पे, यहाँ पे तो आगे तक भी जा रही है, क्या ख्याल है? ठीक है. अब ये आपके पास सुपाइन इमेज थी, फिर जब आपने पेशेंट को प्रोन लिटाया तो आपको अब भी यहाँ पे ओपेसिफिकेशंस मिल रही है, क्या ख्याल है? मिल रही है ये बिल्कुल, जहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट पे देखो, यानी पेशेंट प्रोन लेटा है तो पोस्टीरियर पार्ट आपका यहाँ पर होगा, वैसे यहाँ पे पोस्टीरियर आपके पास ये है, ठीक है. पोस्टीरियर पार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास इसकी अपेयरेंस डिफरेंट है, यहाँ पे आपके पास जो चीज़ आपको यहाँ पे नजर आ रही है वो अब आपको यहाँ पर नजर आ रही है, क्या ख्याल है? पेशेंट को यानी आपने प्रोन लिटाया तो उस टाइम भी आपके पास अब जो आपकी ओपेसिफिकेशन थी वो चेंज नहीं हुई, ठीक है. तो इसका मतलब है कि इस केस में आप पेशेंट को कह सकते हो या आप डायग्नोज कर सकते हो कि इसको फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गया है या अर्ली स्टेजेस में है, क्या ख्याल है? प्रोन लिटाने से कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? यस मैम, पड़ा है ना, पता चल रहा है ना इस चीज का, क्लियर हुआ है कि आप किस तरह से जो है पेशेंट को सुपाइन या प्रोन लिटा के अपने डायग्नोसिस को बेहतर कर सकते हो. और इस कंडीशन को स्पेशली याद रखना कि जो डिपेंडेंट एटिलेक्टेसिस है ये इसको आपके पास जो डिपेंडेंट एटिलेक्टेसिस है उसको आप अर्ली फाइब्रोसिस से किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है. अच्छा जी, अब आपके पास ये कुछ बेसिक एनाटॉमी है. बेसिक एनाटॉमी आप लोग इमेजेस देखोगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. इसमें आपको मेजर मेजर बता देती हूँ. अभी आप ये नहीं, जो अपना लंग्स का स्कैन है ऊपर आपके पास जो ये वाली इमेज है, इस इमेज को क्या कहते हैं जो ये साइड पे लगी है और इसमें लाइन भी आ रही है एक? जी मैम, चेस्ट व्यू. स्काउट, ठीक है. स्काउट इमेज है, रेफरेंस इमेज है, ठीक है, याद रखो इस चीज को. स्काउट इमेज है आपका. अच्छा जी, स्काउट इमेज है, उसमें अब आप स्काउट इमेज में देखो कि आप किस लेवल के ऊपर अपना स्कैन ले रहे हो, ठीक है. और यहाँ पर अब आपको वो लेवल नजर आ रहा है, ठीक है. ये आप बिल्कुल एपिक्स के करीब करीब ले रहे हो. यहाँ पे आपको लंग्स की अपर लोब नजर आ रही है, मतलब एपिक्स बिल्कुल नजर आ रहे हैं, ठीक है. आपको यहाँ पे रिब्स नजर आ रही है, ठीक है. थायराइड आपको ग्लैंड नजर आ रहा है. यहाँ पे आप अपना ट्रेकिया देख सकते हो, दरमियान वाला स्ट्रक्चर ट्रेकिया है, पीछे वर्टिब्रा है, मसल्स एंड ट्रेपीजियस वगैरह है, ठीक है. क्लेविकल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है. ये आपके पास जो है इस लेवल के ऊपर अपने यानी क्लोज टू एपेक्स आपके पास इस तरह का स्लाइस आएगा, ठीक है. उसके बाद ये आपके पास जो है ये रूटीन चेस्ट है इमेज. उसके बाद अब आप देखते हो ये वाला जो इमेज आपका ये आर्च ऑफ एओर्टा के लेवल पे है, ठीक है. यहाँ पे आपको एओर्टिक आर्च नजर आ रही है, ठीक है. ब्रेकिस्वेलिक आर्टरी आप देख सकते हो, आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेज यानी आपको नजर आ रही है. ट्रेकिया के बाद अब आपको एसोफेगस भी विजिबल होना शुरू हो गया है पीछे, ठीक है. आपके जो लंग्स हैं वो नजर आ रहे हैं, ज्यादा क्लियरली नजर आ रहे हैं. उसके बाद आपको यहाँ पे जो मसल्स हैं, पेक मेजर है, पेक माइनर है, वो मसल्स भी आप इनको देख सकते हो, ठीक है. मसल्स की जरूरत किसी ना किसी डिजीज कंडीशन में ही पड़ती है, वरना अगर आपने लंग्स के मसले ही देखे हो तो आप लंग्स पे ही फोकस रखते हो ज़्यादा. उसके बाद जब आपके पास इमेज है ऊपर आपके पास अगर आप देखो तो आपके पास जो है वो लंग विंडो वाली इमेज है, ठीक है. ग्रेइश इमेज है, पता चल रहा है उसको देख के. उसके बाद नीचे वाली आपके पास रूटीन है, सॉफ्ट टिश्यू विंडो में आप देख रहे हो. यहाँ पे आपको चीज़ें उसी तरह से नजर आ रही हैं, थोड़े लोअर लेवल पे नजर आ रही हैं. यहाँ पे आप अपर लोब के दरमियान भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हो कि राइट साइड की अपर लोब आपको नजर आ रही है और लेफ्ट साइड की भी अपर लोब आपको नजर आ रही है, ठीक है. फिशर्स नजर आ रहे हैं आपको इस इमेज में से, बहुत क्लियर नहीं है लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ पे आपके पास फिशर्स बने हुए हैं, ठीक है, जो आपको नजर आ रहे हैं. लंग की थोड़ी बहुत एनाटॉमी आती है ना, कितने लोब्स होते हैं, फिशर्स होते हैं, चीजें. ये भूल भाल गए हो सर. जी मैम, जी जी मैम, राइट में. शुक्र है जी, शुक्र है.
बड़ी खुशी होती है सुन के जब कहते हो ना कुछ कुछ आता है थोड़ी बहुत एनाटॉमी आती है. अच्छा जी, उसके बाद आप नीचे देखो तो आप आपके पास जो है वो लेफ्ट एट्रियम आपको नजर आना शुरू हो गया है. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम है, पीछे आपके पास डिसेंडिंग एओर्टा नजर आ रही है, डिसेंडिंग एओर्टा के बाद आपको सुपीरियर वेना केवा भी नजर आ रही है. ठीक है, असेंडिंग एओर्टा नजर आ रही है. ठीक है, इतनी बड़ी इतना मेजर स्ट्रक्चर है आपके पास. ठीक है, उसके बाद अगर आप अपने अगले स्कैन पर आते हो, अगले स्लाइड्स पर आते हो, तो यहाँ पे आपको आपके हार्ट के जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं यानी राइट एट्रियम भी नजर आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया है. ठीक है, एओर्टिक रूट है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, ये चीज़ें भी आपको यानी जैसे जैसे स्कैन के हिसाब से अगर आप नीचे आते जाओ तो आपको बाकी चीज़ें भी क्लियर होती जाती हैं, विजिबल नजर आती जाती हैं. ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ को आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये आप लोग खुद एक दफ़ा गो थ्रू करोगे आप लोगों को ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि आप इसमें क्या चीज़ देख रहे हो. ठीक है, अच्छा जनाब, उसके बाद अब अगले उस पर आते हैं. तो यहाँ पर जो है आप यानी हार्ट को अच्छे तरीके से देख पा रहे हो, आपको पेरिकार्डियम नज़र आ रही है. ऊपर अगर आप देखोगे जो आपकी लंग विंडो है तो वहाँ पे आप लोअर लोब्स देख सकते हो, मिडल लोब जो है, या जो लेफ्ट साइड पे आपको पता है कि मिडल लोब नहीं होता, वहाँ पे आप पर लिंगुला होता है, तो आप लेफ्ट साइड पे लिंगुला भी देख रहे हो. ठीक है, ये चीज़ें आपको अपनी लंग विंडो में नज़र आ रही हैं. उसके बाद आप बिल्कुल जो आपका ऑलमोस्ट लास्ट स्कैन जो है. मैम मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं ज़्यादा आगे क्लास नहीं ले सकूँगी, प्लीज़ आप मेरी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा. ठीक है, कर दूँगी. क्या नाम है आपका? अनीजा आसिम जी. ठीक है जी, चले जाएँ. थैंक यू मैम. अच्छा जी, अब आप ये जो आपका लास्ट स्कैन यूजुअली होता है वो हमेशा जब आपका लिवर के बॉर्डर्स नज़र आना शुरू हो जाएँ या आपके पास एड्रिनल ग्लैंड्स सब जो है आप अपना स्कैन लेते हो इसका, लंग्स का. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको लिवर का बॉर्डर नज़र आना शुरू हो गया है. ठीक है, लिवर नज़र आना शुरू हो गया है तो यहाँ पे आपका ये ऑलमोस्ट आपका लास्ट स्कैन है. ठीक है, आपको इसके अलावा हार्ट का राइट वेंट्रिकल भी नज़र आ रहा है और बाकी लंग्स भी आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं, ये आपके रूटीन चेस्ट में था. ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोब्स की बात करो तो लोब्स आप लोगों को आइडिया होगा, आपके पास राइट अपर लोब है, लेफ्ट अपर लोब है, लोअर लोब दोनों साइड्स पर होती हैं. ठीक है, राइट साइड पर आपके पास मिडल लोब होती है लेकिन लेफ्ट साइड पर आपके पास मिडल लोब नहीं होती, उस जगह पर आपके पास लिंगुला होता है. ठीक है, ये आपके पास बेसिकली डिप्रेशन सा होता है हार्ट के लिए. सही है. अच्छा जी, अब अगर बात आती है कि आप अपर लोब्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, तो जब आपका ट्रेकिया जिस जगह से आपका यानी स्टार्ट होने लग जाता है, ठीक है, ट्रेकिया आपके पास बेसिकली डिमार्केट करता है आपके अपर लोब्स को. ठीक है, ट्रेकिया के बाद जो अगली चीज़ आपके पास आती है, आपके पास कराइना का लेवल आता है. कराइना क्या होता है, सुना होगा नाम यकीनन. कराइना क्या चीज़ होती है? No, मैम जहाँ पे कराइना तो उसको नहीं कहना चाहिए. ठीक है, ये बड़ी एक कॉमन सी बात है. ठीक है, कराइना क्या चीज होती है? आपके पास ट्रेकिया की डिवीजन होती है. ठीक है, कौन से लेवल पे होती है, किसी को याद है? किस पर्टिकुलर लेवल पे? मैं भी वैसे थ्रेसिक 4-5 लग रहा है मुझको. थ्रेसिक वर्टिब्रल पे होगी मैम. ट्रेकिया की बेसिकली डिवीजन होती है, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा पे होती है, T4-T5 के लेवल पे होती है. ठीक है, या आपके पास स्टर्नल एंगल का आइडिया होगा, स्टर्नल एंगल क्या चीज़ होती है पता है ना? स्टर्नल एंगल का स्टर्नम पे बनता है. ठीक है, स्टर्नल एंगल या स्टर्नल एंगल के लेवल पे होता है. ठीक है, या अगर आप पीछे से देखो, पोस्टीरियर साइड से देखो तो T4-T5 के लेवल पे आपके पास जो ट्रेकिया की डिवीजन होती है ब्रोंकस में, मेन ब्रोंकस में, दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे, वो आपके पास कराइना का लेवल होता है. ठीक है, कराइना का लेवल बेसिकली आपको बताता है कि अपर लोब और लेवल जो लोअर लोब है उनके दरमियान में डिफ्रेंशिएशन. ठीक है, अच्छा जी, जहाँ पे कराइना स्टार्ट होगा वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अब आपके पास अपर लोब है और अब आप उसके नीचे जो है उसके इंटीरियर सेगमेंट है और लोअर लोब जो है उसके नीचे है. ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे. ये अब अगर आप देखते हो कि हार्ट के लेवल पे जब आप देखते हो, ठीक है, अगर आपने मिडल लोब और लोअर लोब को डिफ्रेंशिएट करना हो, ठीक है, पहले हमने अपर और मिडल को, अपर और लोअर को देखा है, अब हमने देखना है मिडल और लोअर को. ठीक है, या अगर लेफ्ट साइड पे देखो तो लिंगुला या लोअर लोब को आपने देखना है. ठीक है, अगर आप हार्ट के लेवल पे आके देखते हो बिल्कुल मिड में सेंटर में आके अपनी जो लेटरल चेस्ट वाली इमेज है उसमें अगर आप देखो, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपके पास इमेज में सीटी इमेज में जो एंटीरियर 1/3 पार्ट है वो आपके पास मिडल लोब है. ठीक है, यानी इमेज नज़र आ रही है उसका जो एंटीरियर 1/3 है, इंटीरियर साइड है 1/3 आपके पास, वो आपकी मिडल लोब है.
ठीक है, और जो आपके पास लोअर टू थर्ड वाला एरिया है आपके पास, वो आपकी लोअर लोब्स होती हैं लंग्स की, ठीक है। तो लोब्स का पता होना जरूरी है कि चलो एटलीस्ट अगर आपको इमेज कभी नजर आया तो आप एटलीस्ट लोब को आइडेंटिफाई कर सको, कौन सी लोब कौन सी है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपने जहन में रखो, एक तो हार्ट के लेवल को, मिड ऑफ हार्ट से आपको पता चल जाएगा, किराना के लेवल से आपको पता चल जाएगा कि अपर लोब है और कौन सी लोब है, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर लोगे, कोशिश कर सकते हो, क्या ख्याल है? जी जी मैम जरूर, ठीक है। बाकी जो एनेटमी वाले इमेजेस हैं उनको एक दफ़ा क्लियरली देखना, अच्छे तरीके से देखना, ठीक है, क्योंकि वो मतलब मैं तो खोल के तो नहीं पिला सकती एनेटमी, तो सीधी सी बात है, खुद से जितनी एफर्ट करोगे एनेटमी उतनी अच्छी तरीके से आएगी, सही है, खुद से चीज़ें याद रखोगे तो आएगी। अच्छा जी, उसके बाद अब आपके पास ये प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स आप लोगों ने, मैं जितने भी अब हमारे लेक्चर्स होंगे मतलब कुछ ही और हैं, ठीक है, उनमें प्रोटोकॉल्स की इस तरह की इमेजेस मैं लाजमी लगाऊंगी और ये आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। अगर इवन अगर हमारा क्वेश्चन पेपर रिटन भी होगा तो मैं आप लोगों को ये लिखने के लिए दूंगी, ठीक है, कि मुझे प्रॉपर प्रोटोकॉल बताओ तो उसमें आप लोगों ने मुझे चीज़ें बतानी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास रूटीन चेस्ट की इंडिकेशन भी लिखी हुई है, किस किस केसेस में आप कर सकते हो, ठीक है। अगर स्टार्ट लोकेशन एंड लोकेशन आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए, ठीक है, चेस्ट में स्टार्ट लोकेशन आपके पास लंग एपिसिस से और जो एंड लोकेशन है आपके पास वो सीपी एंगल के नीचे तक है, ठीक है, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल तक, ठीक है। या फिर जो है कुछ केसेस में आप एडिनल ग्लैंड्स के लेवल तक भी लेके जा सकते हो जो एंड लोकेशन है, ठीक है। यानी स्कैन आपने स्टार्ट कहाँ पे करना है और एंड कहाँ पे करना है, ब्रेन का भी याद रखना, ठीक है, स्टार्ट कहाँ पे करते हो वर्टिक्स से और जो आपका नीचे तक है, ठीक है, कहाँ तक आप उसको लेके जा रहे हो, उसके बाद ब्रेथ होल्ड आपने किस तरह रखवाना है, आईवी कंट्रास्ट की जरूरत है तो कितना देना है, वैसे वैल्यू हर डिपार्टमेंट की अपनी होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप विंडो सेटिंग को याद रखो बीच में, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। जो ये वाला इमेज है ये ऊपर लिखा हुआ है, ये आपके पास रूटीन चेस्ट का है, ठीक है। उसके बाद जो अगली आपके पास इमेज है वो आपके पास HRCT का है, जो हाई रेजोल्यूशन CT है जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन CT जो है इसकी इंडिकेशन जो है वो आपके रूटीन चेस्ट से थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को याद रखना। जो आपकी इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज हैं, जो आपके पास एयरवे डिजीजेज हैं, जो ब्रोंकाइटिस है, एटेलेक्टेसिस है, इस तरह की जो डिजीजेज हैं, ठीक है, जिसमें आपका एयरवेज इंक्लूड हो, वो आप चीज़ें HRCT पे ज़्यादा अच्छी देखते हो, ठीक है। तो इनकी इंडिकेशन जो है वो अलग अलग दोनों की याद रखना, ठीक है। और स्काउट इमेज आप एपिलेटरल में ले रहे हो, किस तरह ले रहे हो, बोन विंडो है आपके पास, विंडो सेटिंग कितनी है, लंग विंडो इसमें 1500 से 700 विंडो लेंथ और विंडो विड्थ बताई हुई है, ठीक है। तो मैंने भी आप लोगों को इतनी बताई है कि हमारे पास 1000 से 1500 तक हो सकती है, 100-200 ऊपर नीचे तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रोटोकॉल है पूरा रूटीन चेस्ट का और उसके बाद आपके पास HRCT का, ठीक है जनाब, हुआ है क्लियर? कुछ चीजें सीटी की समझ आई है थोड़ी बहुत? जी जी मैम बहुत ज्यादा आई है। चलो जी अच्छी बात है, अब मुश्किल हो गई। मुश्किल असल में मुश्किल ना इसीलिए होगा क्योंकि एनेटमी नहीं आती होगी, ठीक है, एनेटमी जब तक नहीं आएगी ना तब तक कुछ भी कर लोगे तो नहीं मैम, ये वैल्यूज और टेबल ये थोड़ा सा मुश्किल है, एनेटमी ठीक है। हाँ टेबल, हाँ वैल्यूज तो याद करनी पड़ेंगी, वैल्यूज जो है वो सॉफ्ट टिश्यू विंडो की मेरा ख्याल है हर जगह पे सेम ही है, ठीक है, बोन विंडो की ऑलमोस्ट सारी बॉडी में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, 100-250-60 का फर्क हो सकता है, इसके अलावा सेम है, ठीक है। लंग विंडो आप लोगों ने याद रखनी है तो हो जाएगा, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा यानी तरीके से याद करोगे तो। ओके मैम, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये जो 2 mm 3 mm का इसका क्या मकसद है, किस पेशेंट का बढ़ाते हैं किसका कम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें बस। किस पेशेंट का बढ़ाते हैं किस पेशेंट का कम करते हैं, वैसे ये पेशेंट रिलेटेड नहीं होता इतना, ये यूजुअली आपकी कंडीशन रिलेटेड होता है कि आप देखना क्या चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप छोटे से छोटी आपकी सस्पिशन ऐसी है कि पेशेंट को यानी आप छोटा से छोटा नोड्यूल छोटी से छोटी चीज़ देखना चाह रहे हो तो उसके लिए आप स्लाइस थिकनेस जो है वो कम से कम रखते हो, ठीक है। लेकिन इसका स्लाइस थिकनेस कम से कम रखने का हमारे पास नुकसान ये होता है कि हमारी जो पेशेंट डोज है ना वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ में एक आपके पास बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। HRCT क्योंकि स्पेसिफिक है, इसमें आप देखते ही एयरवे डिजीज हो वो आपके पास कम से कम स्लाइस थिकनेस पे ही नजर आएंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप छोटे से छोटा ही रखते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप एब्डोमिनल CT भी कर रहे हो तो उसके बीच में आप स्लाइस थिकनेस जो है वो 0.25 की रख दो और पेशेंट को जो है 0.25 mm आप रखो उसकी स्लाइस थिकनेस और पेशेंट की जो रेडिएशन डोज है वो उतनी बढ़ जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि आप स्लाइस थिकनेस यानी हर एक लेवल पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन जा रही हैं, ठीक है, यानी छोटे से छोटे लेवल पे आप रेडिएशन दे रहे हो छोटे से छोटे स्लाइस के ऊपर पेशेंट को, ठीक है, और आपके पास इमेज तो अच्छा आ जाएगा, इमेज तो आपके पास नो डाउट बहुत अच्छा आएगा लेकिन उसका आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आप हमेशा अपने रिस्क वर्सेस बेनिफिट वाली चीज़ों को देखते हो और अपनी पैथोलॉजी
आपकी जो कंडीशन है उसको देखते हो कि आप क्या देखना चाह रहे हो, ठीक है, किस सस्पिशन के साथ पेशेंट आया है, पेशेंट की जो आपके पास क्या कहते हैं हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उस हिसाब से आप देखते हो. एक रूटीन यानी जो हमारे पास एक क्या कहते हैं जो स्केल सेट हुआ होता है वो यही है कि चेस्ट आपने करना है तो उसके लिए आप थिन स्लाइसेस रखते हो, एब्डोमिनल सीटी करना है तो उसमें आप 5 mm तक की स्लाइसेस रख सकते हो, ठीक है. लेकिन अगर आपको चेस्ट में कोई ऐसी सस्पिशन हुई है, कोई छोटा ट्यूमर, कोई ऐसी चीज़ किसी स्लाइस में नजर आया, तो उस टाइम पे आप स्लाइस थिकनेस मजीद कम भी कर सकते हो, ठीक है. जब आप रिकन्स्ट्रक्शन करते हो उस टाइम भी आप स्लाइस थिकनेस मजीद कम करके देख सकते हो, ठीक है. सारी सेटिंग्स जो है आपके सिस्टम में ऑलरेडी हुई होती हैं, तो ये आपकी यानी पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, आपकी पैथोलॉजी के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा है, ठीक है. तो ये बात है मैम. हो गया मैम, थैंक यू. वेलकम मैम. जी जनाब. मैम जिस फिल्म पे हम ये सीटी प्रिंट करते हैं ना, वो जो तिक्सा होता है, उसके बजाय अगर हम आम कागज पे प्रिंट करें तो इस पे क्या नुकसान हो सकता है, क्या नजर नहीं आएगा हमें? आम कागज पे आप क्या प्रिंट करोगे, मुझे खुद बता दो उस पे क्या नजर आएगा. आम कागज पे तो सादा कंप्यूटर हमारे प्रिंटर देखे ना किस तरह के होते हैं. अगर हम सादा प्रिंट ले लें, कोई इमेज वैसे ही प्रिंट करेंगे, कभी देख लो कलर तो क्या प्रिंट, ना ना प्रिंट कलरफुल होगा नहीं. पता है क्या इसके वैसे और भी रीजन तो होते हैं, वैसे ही हमने ये पढ़ना भी है फिल्म के रिलेटेड ना, तो सफर कर रहे हो वैसे तब उसमें पढ़ भी लेंगे. लेकिन वैसे बता देती हूँ कि हमारा क्या सीन होता है कि देखो ना, हम अगर पता हो तो हम एक्सरे वगैरह की इमेजेस भी जो हैं वो हमेशा अपने जो हमारा इल्यूमिनेटर होता है उसके ऊपर लगा के देखते हैं. क्या ख्याल है, देखते हैं ना? जी मैम जी. तो उसी जो आपकी फिल्म की कंपोजिशन जो है वो इसी तरह की होनी चाहिए कि वो एक तो क्लियर हो, ठीक है. आप उसको जब भी इल्यूमिनेटर पे लगा के देखो आपको उतना ही क्लियर इमेज यानी अंदर से भी आपको उतना ही अच्छा नजर आए, ठीक है. आपको उतनी ही क्लियर चीज नजर आए, क्योंकि छोटी भी कोई चीज है तो आपको उस पर अच्छे तरीके से विजिबल हो जाए. अगर आप कागज है, कागज के ऊपर आप आर पार तो नहीं ना देख सकते, ये देख सकते हो? क्या ख्याल है, कागज के ऊपर आप उस तरह से इमेज नहीं ले सकते, ठीक है. इवन आप चेस्ट एक्सरे भी खाली कागज पर कभी निकाल के देख लो, अगर किसी जगह पे जाते हो ना तो वहाँ पे कागज पर निकाल के देख लेना, पता चल जाएगा कि हम क्यों नहीं ले सकते. मैं वही कहना चाह रहा था कि इधर एक हॉस्पिटल है नौशरीफ शरीफ किडनी हॉस्पिटल. हाँ पता है मुझे, करते हैं कुछ जगहों पे करते हैं. हाँ हाँ, तो वो उधर यही इसी चीज पे करते हैं. मैं कहा इसका फायदा क्या है, वो कह रहे थे कि कम कास्ट आता है और हाँ, वो खर्चा बचता है ना. कागज कितने का आता है वो अगर, हाँ वही ना, तो वो फिल्म का जो पैकेट है वो अच्छा खासा महंगा आता है, जो आपके पास मेरा ख्याल है वो 30-40-30-32,000 रुपए का आता है, जो ये वाली फिल्म होती है एक्सरे वाली जो फिल्म होती है. तो कागज आपको कितने का आता है, वो जो पूरा आप लेते हो A4 साइज का पेपर लेते हो, वो मेरा ख्याल है पता नहीं कितने, मुझे उसकी प्राइस नहीं वैसे एग्जैक्ट पता. तो कितना सस्ता आता है कागज आता है वो भी ठीक है, लेकिन वो कह रहे थे कि इसमें कोई खास मसला नहीं होता. मैं कहा ठीक है मैं पूछ लूंगा. नहीं मसले बहुत होते हैं, ये आप बेसिकली अपना खर्चा बचाने के लिए लोगों को दाव पे लगा देते हैं. आपको उतनी क्लियर चीजें जो है वो अपनी एक्सरे फिल्म पर जितनी क्लियर नजर आती है, और खासतौर पर इल्यूमिनेटर पर जो आप लगा के देखते हो वो आप सादे कागज पर नहीं देख सकते हो, ठीक है. इसकी भी फिल्म जो फिल्म की भी क्वालिटीज है ये भी डिफरेंट होती है. कुछ जगहों में बहुत अच्छी महंगी वाली यूज की जाती है, कुछ जगहों में बहुत ही हल्की, वो भी कागज जैसी होती है, फारिग होती है बिल्कुल, ठीक है. तो इसकी कंपोजिशन भी बहुत मैटर करती है. वैसे सीटी और MRI के लिए तो ना अब आजकल खासतौर पर पिछले कुछ सालों से तो यही हो गया है कि फिल्म वाला जो रिवाज है वो थोड़ा कम हो गया है. वो यानी आप CTs ही बना के दे देते हैं या USB में आपको डाटा दे देते हैं, क्योंकि हर जगह पे क्योंकि अब हर डॉक्टर के पास अपने सिस्टम हैं, ठीक है. वो आराम से सिस्टम पे लगा के देखना ज्यादा आसान रहता है एज कम्पेयर टू आप फिल्म में. मैम उसमें ज्यादा जो डायग्नोस भी अच्छी तरह हो जाता है ना, फिर वे एक-एक इमेज आराम से देख लेते हैं, सारी इमेजेस उसमें चले जाते हैं. ऊपर से वैसे भी ये होता है कि मतलब आपका जो वो जो प्लास्टिक वाला एक मतलब है मसला दुनिया में, यानी जो आपका कार्बन फुटप्रिंट है वो भी यानी कम हो जाता है कि आप इस तरह प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. लोग अपनी फिल्में फेंक भी देते हैं, जाया भी हो जाती है फिल्में, वैसे भी कुछ अर्से बाद खराब होना शुरू हो जाती है. लोग ख्याल नहीं रखते, किसी को कुछ हो जाता है, कभी को पुराने अपने रिकॉर्ड लेके आए ना, कभी कोई पेशेंट किसी के ऊपर चाय गिरी होती है, किसी के ऊपर कुछ गिरा होता है, बड़े ड्रामे होते हैं. तो उससे बचने के लिए, वाकई सीरियसली होता है इस तरह, तो उससे बचने के लिए ज्यादा बेहतरीन, तो उससे बचने के लिए बेहतर ही होता है कि आप उनको CDs और बाकी चीजें प्रोवाइड कर दो, अगर वो ख्याल रखने वाले हैं तो. ओके मैम, ओके. चलो ठीक है, आप लोग चले जाओ अटेंडेंस में, जो है वो कर लेती हूँ मार्क, ठीक है. ओके जी, अल्लाह हाफिज. ओके मैम, अल्लाह हाफिज. मैम जी जी, कौन बोल रहा है? ओके मैम, प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बता दें प्लीज. किसके बारे में बता दूं मैम? प्रेजेंटेशन के बारे में. प्रेजेंटेशन क्या बताऊं, बनानी है अभी देनी है मुझे. No, ma'am, actually group का, क्योंकि ma'am, मैं absent थी इस class में, तो मुझे इतना कुछ खास पता नहीं है.
अच्छा, ग्रुप्स का मैंने बेसिकली ये कहा था कि आप मुझे ना 10 स्टूडेंट्स के जो है ना ग्रुप बना के मुझे सेंड कर दो, ठीक है? मुझे अभी तक कोई आप ऐसे आ गए हैं, मुझे को 5-7 बच्चों के आ गए हैं अब तक, ठीक है? तो मैंने कहा था कि अपने जो भी यानी आपके जानने वाले आपके दोस्त वगैरह हैं उनके साथ मिलके खुद ही कंफर्टेबल जिनके साथ हो, आप लोगों की ग्रुप प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है? तो उसके लिए मुझे आप लोग अपना ग्रुप्स बना के सेंड कर दो, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप लोगों के अभी सबके वो चल रहे थे, असेसमेंट्स चल रही हैं बाकी सब्जेक्ट्स की, तो इसलिए मैंने इतना बर्डन नहीं डाला। मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों का जो सेकेंड वीक है जनवरी का उसमें आप लोगों के असेसमेंट्स ले लूँगी, ठीक है? सेशनल जो आप लोगों के ना, तो तब तक आप ये नहीं अभी मुझे आप सेंड कर दो आजकल में सारे जिनके रह गए हुए हैं, ठीक है? बाकी भी सुन लो जिन लोगों के रह गए हुए हैं ग्रुप्स वो मुझे सेंड कर दें, ठीक है? ताकि उसके बाद ग्रुप्स देखकर फिर मैं आप लोगों को जो है वो टॉपिक्स असाइन कर दूंगी और आप लोगों की प्रेजेंटेशन हम रखेंगे, ठीक है? जनवरी के सेकेंड वीक में इंशाल्लाह, ठीक है जनाब? इंशाल्लाह मैम असाइनमेंट की भी मेल कर दें, ठीक है? असाइनमेंट का मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं अभी पोर्टल का थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, मेरा पोर्टल एक दफा चल पड़े तो मैं ये चाह रही हूँ कि असाइनमेंट जो है मैं पोर्टल के ऊपर ही लूँ, LMS के ऊपर ना, ठीक है? तो मैं 6 जनवरी इसकी नहीं है ना अभी? जी जी सबमिशन डेट नहीं है ना अभी 6 जनवरी? अभी सबमिशन डेट नहीं है उसकी, कोई अभी कोई सबमिशन डेट नहीं है, वो जब मैं आप लोगों को करूंगी ईमेल सारा सब कुछ मैं फिर उसमें ही आप लोगों को मेंशन कर दूंगी, ठीक है? सारी चीजें तो उस पर परेशान ना हो, असेसमेंट अपनी मेरे पे छोड़ दो, मैं ले लूंगी, ठीक है? तो पढ़ने पे फोकस करो, ठीक है? चलो जी, चलो जाओ आप लोग, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज मैम।